गुड मॉर्निंग टुडे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गुड मॉर्निंग जन्नत ओके जन्नत यू वर एब्सेंट यस्टरडे व्हाट हैपेंड बेटा व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे ठीक है किस लिए एब्सेंट थे जन्नत गुड मॉर्निंग शोमिली अच्छा 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 गांव के घर गए थे ठीक है बेटा आप YouTube पे क्लास को देख लीजिएगा ठीक है ना किस लिए सॉरी बोल रहे हो क्या गलती कर दी बच्चे आपने गुड मॉर्निंग कर्नन गुड मॉर्निंग श्रीजन क्या गलती कर दी सोमोजीत ने व्हाई आर यू सेइंग सॉरी बाबू अच्छा चलिए जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग ज्वाइन किए हैं आप लोगों को लेकर ही क्लास की शुरुआत करते हैं ओके ओके डियर नो प्रॉब्लम यस गुड मॉर्निंग आरुष तो चलिए आप लोग जो भी ज्वाइन किए हैं आप लोगों के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था जन्नत आप वीडियो देख लीजिएगा बेटा हाँ उस क्लास की चर्चा अभी नहीं करते हैं अभी फिलहाल जो है हम लोग अपने रिवीजन क्लासेस की ओर ध्यान देते हैं रिवीजन क्लास आज हम लोग करेंगे मैंने बोला था कल भी आप लोगों से कि रिवीजन ग्रामर से टेक्स्ट से कहीं से भी हो सकता है ठीक है जेहान गुड मॉर्निंग कोई बात नहीं बेटा अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि मेरे जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं वो लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे इसलिए इंतज़ार कर रहे थे हम चलिए अब क्लास स्टार्ट करेंगे आप लोग कोई भी बुक कॉपी नहीं खोलिएगा यही हमारा गेम का रूल है और अभी हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे आज हम आप लोगों से टेक्स्ट के क्वेश्चन पूछेंगे कल मैंने ग्रामर के क्वेश्चन पूछे थे आज मैं टेक्स्ट के क्वेश्चन पूछूंगी ठीक है चलिए कौन सी किताब में जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं कौन से किताब में जलचक्र जैसी बातें हमें हाँ 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 जन्नत रिवीजन गेम खेलेंगे कौन से किताब में जलचक्र जैसी बातें हमें जाती है ठीक है जल्दी जल्दी टाइप करने के लिए स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए आराम से कीजिए जवाब दीजिए सृजन का जन्नत का जवाब आया है आगे के जवाब का इंतजार करते हैं ठीक है चलिए ठीक है सबके आंसर मिल गए हैं थोड़ा स्पेलिंग अप डाउन हुआ है सबके आंसर्स करेक्ट हैं भूल इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिशन कितने साल का था ध्यान से सुनिए बिशन कितने साल का था ठीक है जेहान आपका जवाब भी मिल गया है बिशन कितने साल का था
आदित्य आप कल एब्सेंट थे बेटा क्लास में, क्यों क्लास नहीं किया आपने आदित्य कल? जवाब सबका मिल गया है। आदित्य का ये जवाब सुनते हैं कि वो कल क्लास क्यों नहीं कर पाया था, उसके बाद बताएंगे आप लोगों को। आदित्य बेटा, मैंने आपसे पूछा आप कल क्लास में उपस्थित क्यों नहीं थे? चलिए फिलहाल के लिए बता दूं, 10 साल इज द करेक्ट एंड एवरीबडी हैज गिवेन द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूं। स्वामी की दादी कहानी किसके द्वारा लिखित है? स्वामी की दादी कहानी किसके द्वारा लिखित है? अच्छा, आंसर मिलने शुरू हो गए हैं। कोई भी बुक नहीं खोलेगा, दैट इज द रूल ऑफ द गेम। जो आता है बताइए, नोबडी इज गोइंग टू जज यू दैट व्हाई यू हैव गिवन द रॉन्ग आंसर, बिकॉज दीज आर सरप्राइज टेस्ट। ऐसे करते करते आप देखिएगा, एग्जाम से पहले आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए, मैंने ये बात पहले भी आप लोगों से बताया पूछा था, अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह पाठ किसके द्वारा लिखित है, स्वामी की दादी कहानी किसके द्वारा लिखित है, तो उसका जवाब सोहनलाल द्विवेदी, आप लोग कुछ स्पेलिंग अलग ही लिख रहे हैं, सोहनलाल द्विवेदी नहीं होंगे, उसका जवाब होगा आर के नारायण। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि स्वामी की दादी पाठ को किसने अनुदित किया है या इसका अनुवाद किसने किया है, तब सोहनलाल द्विवेदी होगा। ठीक है। अच्छा, मस्तराम कपूर है, ठीक है, हम भी एक बार देख लेते हैं। आप लोगों के सोहनलाल द्विवेदी में हम भी फंस गए थे। चलिए निकाल लेते हैं पेज नंबर 103। ठीक है, हमको भी थोड़ा देख लेने दीजिए। हाँ, मिल गया है। स्वामी की दादी पाठ सोहनलाल द्विवेदी नहीं बच्चों, मस्तराम कपूर द्वारा अनुवाद किया गया है और लिखा गया है आर के नारायण द्वारा। तो आर के नारायण ने लिखा है, अनुवाद मस्तराम कपूर ने किया है। ठीक है। हाँ, सोहनलाल द्विवेदी ने गुरु अर्चेला लिखा है। ठीक है। तो फिर बात क्या हुई कि अनुवादक अलग होता है, लेखक अलग होता है। मैंने एक कहानी को लिखा तो वो मेरे दिमाग का क्रिएशन है, मेरा क्रिएशन है। तो मैंने जब भी उस कहानी को लिख दिया, इसके बाद से जब भी कोई उस कहानी को पढ़ेगा तो वो जानेगा कि ये मेरे द्वारा लिखित है। लेकिन सपोज कि मैंने हिंदी में कहानी को लिखा, किसी ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो जिसने ट्रांसलेट किया उसने मेरे लिखे चीज़ को ट्रांसलेट किया, तो उसको ट्रांसलेशन का क्रेडिट मिलेगा, ना कि लिखने का, क्योंकि सोच और क्रिएटिविटी उसमें ही रहेगी। तो हमेशा लेखक और अनुवादक अलग होते हैं, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। हाँ, थोड़ा नाम मैं भी भूल गई थी लेखक का, ये बात अलग है। चलिए आगे करते हैं। आप लोग जिन्होंने भी आंसर्स गलत दिए थे एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट,
ज्यादा बारिश होने पर क्या होता है? ज्यादा बारिश होने पर क्या होता है? हाँ आरुष, करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर है। स्पेलिंग मिस्टेक है सृजन। अगर ये एमसीक्यू एग्जाम नहीं होकर रिटन एग्जाम होता तो आपके यहाँ पे नंबर कट सकते थे। बाढ़, ठीक है, ज्यादा बारिश होने पर बाढ़ आती है और कम बारिश होने पर क्या होता है बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए सूखा जो है जवाब सही है, ठीक है, लेकिन हम लोग जब एक पाठ को पढ़ते हैं तो हमको पाठ के अकॉर्डिंग जवाब देना है। सूखा जवाब बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी सूखा लिखा है गलत नहीं है। बाढ़ आती है और सूखा पड़ता है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन यहाँ हमारे किताब में सूखा नहीं कहा गया है, अकाल कहा गया है, तो आपको अकाल लिखना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंग जवाब देना है, क्योंकि ये देखिए साइंस तो है नहीं कि आप लॉजिकली आंसर देंगे, ये स्टोरी है, लिटरेचर है, तो यहाँ पे आपको जो जैसे दिया है किताब में उसके हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। तो किताब के हिसाब से अकाल और लॉजिकली सूखा। अब सूखा पड़ने के बाद ही अकाल पड़ता है, ये बात भी सही है, ठीक है, लेकिन व्हाटएवर इट इज आंसर विल बी। हाँ ठीक है जन्नत, मैं समझ गई। चलिए नेक्स्ट। बिशन का पीछा कौन कर रहा था? बिशन का पीछा कौन कर रहा था? ठीक है, सभी के जवाब सही है। बिशन का पीछा शिकारी कर रहे थे। कोई भी शिकारियों अगर कोई ऑप्शन रहेगा तो उसको टिक नहीं करेगा। सपोज कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एक ऑप्शन शिकारी रखा गया, एक ऑप्शन शिकारियों भी रखा गया। सो यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर विच इज शिकारी। अगर आप शिकारियों पर टिक करेंगे सो दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बिशन को गोलियों की आवाज सुनाई दी,
जब बिशन को गोलियों की आवाज सुनाई दी तो पक्षी आसमान में कैसे चक्कर लगा रहे थे, तो पक्षी आसमान में कैसे चक्कर लगा रहे थे। बिल्कुल सही जवाब दिया है सारे स्टूडेंट्स ने। आंसर है गोल गोल। ठीक है, आंसर है गोल गोल। वेरी गुड। नेक्स्ट, दादी के बक्से का आकार कैसा था, दादी के बक्से का आकार कैसा था। Now I am setting another rule for the game. Once you give one answer, do not change it. You have only one chance to reply. You think and reply. Don't change it. Okay, no editing chances given to you. Yes, the answer is vargakar, rectangular, vargakar. Theek hai, answer hoga vargakar. Achha. राजम और उसके पिता पर कितने शेर झपटे थे, राजम और उसके पिता पर कितने शेर झपटे थे। जवाब देते रहिए आप लोग। ठीक है, वर्गाकार मतलब स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, वर्गाकार मतलब स्क्वायर है। देखो मैंने भी आप लोगों की तरह सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ाई की है, तो इसलिए मुझे इतनी जानकारी नहीं है हिंदी टर्म्स के बारे में, मैथमेटिकल टर्म्स हिंदी में मुझे इतना पता नहीं है। मुझे लगता है शायद आयताकार मतलब रेक्टेंगल होगा ना। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में चौकोर भी दिया जाता है तो आप लोग करेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा है आप लोगों से, आप लोगों को हमेशा लैंग्वेज जो बुक में यूज किया गया है, जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन है, वहां पर एग्जैक्ट जो वर्ड यूज किया गया है आपको वही यूज करना है। यू कैन नॉट मॉर्फ और चेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर विश।
एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर मोर अप्रोप्रिएट वर्ड जो बुक में यूज किया है वो दिया है, तो अगर उसका सिनोनिमस कोई वर्ड भी दिया है, सपोज कि पानी रे पानी पाठ में अगर पानी लिखा है और अगर पानी ऑप्शन है उसके साथ अगर जल ऑप्शन है, तो आपको पानी ऑप्शन पर ही टिक करना है, जल को नहीं, क्योंकि एमसीक्यू है, पूरा मार्क्स उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उस एक वर्ड के ऊपर, तो बुक का यूज किया हुआ वर्ड आपको देना है। अगर वर्गाकार के साथ आपका चौकोर ऑप्शन रहता है, तो आप बोलेंगे चौकोर राइट है, नहीं, चौकोर यहाँ पर इस क्षेत्र में राइट नहीं है, मैं किसी का ये नहीं सुनना चाहूंगी, ये वर्गाकार ही होगा, अंडरस्टूड। अच्छा, ये राजम ने दो नहीं, राजम ने एक ही शेर मारा था, दो कहां से मारा था, राजम ने एक शेर मारा था, आप लोग समझाइए मुझे, दो कैसे मारा था, राजम मारा नहीं था, राजम और उसके पिता पर एक ही शेर झपटा था, मुझे तो यही पता था, आप लोग बताइए अब मुझे, दो शेर कहां झपटा था, शोमिली फर्स्ट ऑफ ऑल आप अनम्यूट नहीं कर बताइए, ठीक है, बाद में जब यूट्यूब में अपलोड होता है तो ये साउंड बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, आप म्यूट मत कीजिए, आई मीन अनम्यूट मत कीजिए। अच्छा, मुझे भी एक बार देख लेने दीजिए, अच्छा तो फिर ये क्या होगा, आप लोग कह रहे हैं ये दो, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर, हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि राजम पर कितने शेर झपटे, तब एक होगा, वही बात मेरे दिमाग में घूम रहा था और मैंने आप लोगों को बोल दिया, राजम पर कितने शेर झपटे, एक, राजम के पिता पर कितने शेर झपटे, एक, लेकिन राजम और उनके पिता पर दोनों पर कितने शेर झपटे, तब दो होगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग, इस बात से सहमत हो कि नहीं, राजम पर कितना शेर झपटे, एक, राजम के पिता पर कितने शेर झपटे, एक, लेकिन राजम और उसके पिता पर कितने शेर झपटे, वो होगा दो। अब बताइए अगर अब सही है, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, तो यहां पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर लिखा गया है और इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली मैं उस बात में फंस गई कि स्वामी ने अपनी दादी से पूछा था ना, बोलिए तो राजम पर कितने शेर झपटे, तो दादी ने दो बोल दिया था और वो आंसर जवाब गलत था, तो मैं वहीं फंस गई थी, तो राजम पर एक शेर, उसके पिता पर एक शेर, लेकिन दोनों को मिलाकर दोनों पर दो शेर झपटे थे, ठीक है, ठीक है जन्नत, समझ गए आप लोग। चलिए अब मुझे अटेंडेंस दे दीजिए स्टूडेंट्स, आज समय हो आ रहा है, शोमिली, आदित्य, कन्नन,
সৌম্যজিৎ, সৃজন, ঠিক আছে। চলিয়ে তো ফির আপ লোগো সে মুলাকাত হোগি আগলে কক্ষা মে। আচ্ছা ঠিক আছে আরুষ, হ্যাঁ মানে প্রেজেন্ট কর দিয়া হ্যাঁ, বস একবার কনফার্ম কর লিয়া আপ লোগো সে, ঠিক আছে। চলিয়ে স্টুডেন্টস, হ্যাঁ জন্নত বেটা আপকা ভি কর দিয়া হ্যাঁ, ফির মিলেঙ্গে আগলে কক্ষা মে। ইসি তরহ সে রিভিশন করতে রহিয়ে, দেখিয়ে রিভিশন করতে করতে কিতনে ডাউটস ক্লিয়ার হোতে হ্যাঁ, ডিসকশন মে কাফি ডাউটস ক্লিয়ার হোতে হ্যাঁ, মেরে ভি হো রহে হ্যাঁ, আপ লোগোকে ভি হো রহে হ্যাঁ। তো ইসি তরহ সে ডিসকশন করতে রহিয়ে और अच्छे से पढ़ते रहिए, ग्रुप स्टडी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए बाय।